खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या गिन रहा है भाई, उंगलियां बढ़ गई क्या तेरी? भाई मैं गिन नहीं रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी कौन सी उंगली में इंक लगेगी जब तुम वोट देने जाओगे। जब मैंने किसी से वोट लिया ही नहीं तो देने क्यों जाऊंगा यार? अरे भाई मैं वोट देकर सही कैंडिडेट को इलेक्शन में जिताने की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो उसके लिए टाइम कहाँ है यार? बहुत सारे काम है घर में, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं यार, सफाई करनी है, वरना चांदनी ना मेरी सफाई कर देगी, बता रहा हूँ। गरीब आदमी, ये वक्त घर की सफाई करने का नहीं, देश की सफाई करने का है, गलत लोगों को सत्ता से हटाने का और सही सरकार और सही लोगों को सत्ता में लाने का है। जाओ वोट देकर आओ। ओ बातों के शेर, वोट देने सिर्फ नंदू नहीं, हम सब चलेंगे। पर भाभी मैं, हाँ पर भाभी मैं तो अकेले घर में रहूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाऊंगा। हाँ घटिया आदमी, तो इसीलिए तूने इलेक्शन रखवाया है? चांदनी मैं घर पे रहूंगा और देखूंगा घर में कौन आती है, तुम वोट दे आओ। जाओ जस्ट शट अप नंदू, तुम जैसे लोगों के वोट ना देने की वजह से ना गलत कैंडिडेट्स पार में आते और चिपके रहते अपनी कुर्सियों के साथ, जैसे तुम दोनों चिपके रहते हो टीवी के सामने। भाई इसका मतलब हमारा इलेक्शन में खड़े होने का चांस है। शराब पफो, हम सब चलेंगे वोट देने के लिए। ओके ओके मैम। और आप क्या देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं? सरकार चुनने की जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारे साथ आप भी चलिए वोट देने, क्योंकि इस बार तो डन। भगवान अंकल, आप यहाँ कैसे आए? अरे मैं चल कर आया हूँ। अरे आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अरे खड़ा हूँ। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ। तो पूछ क्यों रहे हो भाई? पकाओ मत अंकल, घर पर कोई नहीं है। ये चांदनी और नंदू कहाँ है? वो चलेगा कब? कब? ये जोक ना बहुत पुराना हो गया है, लखनऊ गए हैं दोनों। ओ अच्छा 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 अच्छा। नहीं आप यहाँ आए क्यों हैं? अरे भाई मेरे घुटनों में दर्द है। तुरंत दिमाग का ऑपरेशन करा लो। अरे भाई दर्द मेरे घुटनों में है तो दिमाग का ऑपरेशन क्यों करवाऊं मैं? अरे भाई इसलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी तो घुटनों में है। अरे बेटा एक काम करो, मुझे वो ला दो। वो नहीं होता? वो नहीं होता है तो वो कहाँ से ला दूं? अरे नहीं बाबा, बंगाली की घुटनों के दर्द की जड़ी बूटी। बाबा बंगाली के घुटनों की दर्द की जड़ी बूटी? ठीक है अंकल, सुबह ले आऊंगा, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ये दो, ये एड्रेस है और ये दवाई यहीं से मिलेगी। मर्दाना दवा खाना, तूफानी मोहल्ला, पुरानी दिल्ली। हाँ यही। ठीक है, भूलना नहीं। अरे नहीं भूलूंगा मेरे बाप, जाओ ना यार। पक्का भूलना नहीं? हाँ। चुप कर बे। ले आऊंगा, मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता है, जाओ। ठीक है। कहाँ हो भाई? फोन पे हूँ यार। अरे भाई फोन पर क्यों हो? फोन तुम्हारा वजन नहीं झेल पाएगा। यार तुझसे बात कर रहा हूँ पप्पू, और क्या कर रहा हूँ? अरे भाई मैं बोर हो रहा हूँ यार, कब आओगे? अबे यार तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे मैं तेरे साथ कबड्डी खेलता हूँ। भाई पिछली 5 रातों से अकेला सो रहा हूँ, बहुत डर लगता है यार। किसी दोस्त को बुला लेना साथ सोने के लिए। नहीं तू कह रहा है ना कि तुझे डर लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ यार। अरे भाई बताओ ना कब आओगे, जल्दी से आ जाओ भाई। हाँ आता हूँ। नंदू कौन है? पप्पू से बात कर रहा हूँ। तुम ना बेकार में शक मत किया करो। हाँ पप्पू, तो भाई हम लोग कल आ रहे हैं। ओके भाई। अच्छा भाई सुनो, कल सुबह ना मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आपके पास डुप्लीकेट की है ना घर की? हाँ है ना, तुझे चाहिए? हाँ मेरे पास तो है। ओके भाई बाय। अच्छा भाई कल आएगा? अरे यार देखा पापा कैसे निकट्टू भाई के हवाले छोड़ गए तुम मुझे। तुम थे तो मैं कभी अकेला नहीं सोता था, कभी डर भी नहीं लगता था। अच्छे जी। तुम मुझे आज अकेला छोड़ गए पापा। लगता अंदर से खोखला है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं अंदर? उसको तोड़ना पड़ेगा। पा, पा, पा।
दवाई ये कौन सी भाषा में लिखा है? इस वक्त कौन है? अरे भगवान अंकल, रात के इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं भूतों भूतों से डर नहीं लगता? अरे भाई, भूतों से डर लगता तो तुम्हारे दरवाजे की बेल क्यों बजाता मैं? काम क्या है कहिए? काम क्या है? अरे ये कहिए, किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? आप यहाँ से जाते हैं या ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं? अरे भाई, तुम दरवाजा हमेशा के लिए क्यों बंद करना चाहते हो? क्या तुम्हें आने जाने में बहुत परेशानी होती है? भगवान अंकल, आप मुझे महाभारत जितने पुराने लगते हो। क्या आपको ये समझ में आती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ ना पढ़ के क्या लिखा है। इसमें लिखा है पी लीजिए। हैं? इतना सब कुछ लिखा और उसका इतना छोटा सा मतलब है? इतना ही है। थैंक यू भगवान अंकल, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ओ, मेरी दवाई लाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा बाबा। हाँ। जाओ और रस्ते में किसी कुत्ते को मत काट लेना। ए, चलो। क्या कहा? गुड नाइट। पप्पू जी, कहाँ जा रहे हो आप? कौन? मैं भगवान हूँ। किसके? किसका कोई भगवान थोड़े ही होता है। अच्छा ये बता, मेरी दवाई लाए तुम? क्यों मजाक कर रहे हो आंटी? आंटी, मैं अंकल हूँ। मेरी दवाई कहाँ है? अरे कौन सी दवाई? वही जो कल रात को लाने को बोला था। पता भूल गए क्या? मर्दाना दवाखाना, तूफानी मोहल्ला, पुराना दिल्ली। अरे ये तो सारी वही बातें कर रही है जो कल मैंने भगवान अंकल के साथ की थी। जी जी, पता है मुझे। तू जाओ, जल्दी से मेरी दवाई ले आओ। हाँ लाता हूँ। अबे पप्पू, कहाँ जा रहा है तू? आप कौन है भाई साहब? अच्छा, अब दोस्त को पहचाने का भी नहीं, ठीक है भाई। अबे कौन सा दोस्त? अबे मैं अशोक। करो कंगी बनो भंगी। अरे हाँ यार, ऐसी घटिया लाइन तो अशोक ही बोलता है। अगर ये बंदा कौन है? कौन हो भाई आप? ला मेरे 500 रुपए निकाल। कहाँ से? अबे जेब से। अबे ये क्या कर रहा है तू? 500 रुपए निकाल लो भाई। अब पागल हो गया क्या? मेरी जेब से नहीं, तेरी जेब से। अबे पागल तो तुम हो गए हो। अगर मेरी जेब में 500 रुपए होते हैं तो मैं तुम्हें क्यों देता? अच्छा बेटा, पैसे लेते वक्त तो तूने यही कहा था। अबे कौन से पैसे, तू अशोक नहीं है? चला जा चुपचाप, नहीं तो काट लूंगा। ठीक है भाई, साले गरीब के पैसे कभी ना कभी देने ही पड़ेंगे। अच्छे जी, हम जी भी अशोक की तरह ही देखे गया। हैं? ताला कैसे खुल गया? लगता है भैया भाभी आ गए। भाई भाभी, मैं आ गया। अरे आ गया पप्पू तू? यस। आप कौन हो भाई? तुम्हारा भाई हूँ पप्पू। पापा ने तो मुझे इस गलती के बारे में कभी नहीं बताया। उस वक्त तुम घर पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे। कहाँ गया हुआ था मैं? बेटा तुम स्कूल गए। पप्पू हम लखनऊ क्या गए? तुमने सारे घर की बैंड बजा दी, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। चांदी मेरे भाई से तमीज से बात करो। शट अप नंदू, नहीं तो गुस्से में मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। कुछ भी तो निकल गया। एक मिनट, आप लोग हैं कौन और ये नादानिया की लाइंस क्यों बोल रहे हैं? अरे पप्पू ये बताओ कि अकेलेपन में तुम्हारा दिल तो नहीं घबराया? अकेलेपन में तो नहीं घबराया, अब घबरा रहा है। कौन है आप लोग? मैं चांदनी हूँ और ये नंदू है। हमारे शो की कास्ट बदल गई क्या? क्या रात पीली थी? पीली नहीं, काली थी। लेकिन आपको कैसे मालूम? क्या काली थी? अरे जो पीली थी वो काली थी। लेकिन आप लोग कौन है? भाई भाभी कहाँ हैं? हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम पूछ रहे हो कि आप लोग कौन हैं? अरे मेरे भाई भाभी कहाँ हैं? पप्पू मैं नंदू हूँ तुम्हारा भाई और ये चांदी तुम्हारी भाभी।
झूठ बोल रहे हो आप लोग यार, झूठ बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, तो कोई ऐसी बात बताओ जो नंदू भाई और मेरे अलावा किसी को ना बताओ। इतनी अंदर की बात बताने की क्या जरूरत थी, ये बात तो सिर्फ नंदू भाई को ही पता थी। नंदू, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं मालूम? चांदी, वो बचपन की बात थी, कोई छोटी सी बात। पप्पू जाओ जाके दरवाजा खोलो। ये तो पक्का भाभी लग रही है मुझे, सारा काम मुझे ही बोल रही है। पप्पू दवाई लाए मेरी। अरे यार आप हैं कौन, फिर से आ गई? मैं भगवान हूँ, मेरी दवाई लाए या नहीं? आप भगवान अंकल कैसे हो सकते हैं? भगवान अंकल जनाना नहीं है और आप एक औरत हो। अंधे हो क्या, मुझे औरत कह रहे हो? तो औरत को औरत नहीं तो क्या कहूँ? पप्पू बेटा मैं भगवान हूँ। क्या मुसीबत है यार। क्या हुआ भगवान अंकल? ये भगवान अंकल नहीं है, ये एक औरत है। चांदनी बेटा कैसी हो, लखनऊ से कब आई? बस आज सुबह ही आई अंकल। ये मेरी चांदनी भाभी नहीं है, ये कोई और औरत है। अरे ये चांदनी है। भगवान अंकल आज ये पागल हो गया है, हमें भी नहीं पहचान रहा है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना। पप्पू बेटा मेरी दवाई दे दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मन तो करता है तुम्हें जहर दे दूं। ये भगवान अंकल की दवाई है, उन्हीं को दूंगा, तुम्हें क्यों दूं? तो ये कौन है, भगवान आंटी? ना तो ये भगवान अंकल है और ना ही आप मेरी चांदनी भाभी हो। चांदनी ये अपनी याददाश्त खो चुका है, इसे तुम जल्दी किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। अबे यार ये हो क्या रहा है, कह दो कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, कह दो प्लीज। पप्पू थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ ना। इससे जल्दी क्या हाथ चलाऊं, मैं सुबह से सफाई ही तो कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है इसको छोड़ो, जाओ जाके दही लेके आओ। अब दही भी मैं लेके आऊं? सारी सस्ती चीजें मुझसे मंगवा रही हैं। पैसे दीजिए। तुमने मेरे पर्स में से जो 20 रुपए लिए थे ना उसमें से लेके आओ। ओके शर्म करो थोड़ी। भाई क्या हुआ पप्पू? पप्पू जल्दी करो, दूसरे कमरे की सफाई बाकी है। दूसरे कमरे की भी सफाई बाकी है? एक छोटा सा ब्रेक तो दे दो। अच्छे जी मिलते हैं एक थके हुए ब्रेक के बाद। पप्पू मैंने तुम्हें 2 बर्तन साफ करने के लिए कहा था, अभी तक वो भी नहीं किए, जल्दी करो। मैं क्या बोलूं, कर तो रहा हूं मैं। मैंने तुम्हें चावल चेक करने के लिए कहा था, वो भी नहीं किया अभी तक। ओफो चांदनी ये मेरा छोटा भाई है, रिस्पेक्ट से बात करो। तुम्हारा छोटा भाई घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहा है, थोड़ा सा काम कर लेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। रोटियां बनी कहाँ है, चावल पक रहे हैं। भाई साहब एक बात सच सच बताओ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ ना? कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पप्पू तुम मेरे छोटे भाई हो, क्या हो गया तुम्हें? आप झूठ बोल रहे हो, आप मेरे भाई नहीं हो सकते। चांदनी क्या हो गया यार इससे? सब गोल थोड़े चक्कर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। पप्पू जल्दी जल्दी हाथ चला। कर तो रहा हूँ काम, तुम तो मेरे भाई हो ही नहीं सकते, मेरा भाई इतना रूड नहीं है। बैल की आवाज सुनाई दे रही है पप्पू, जाओ जाके खोलो। ये तो पक्का भाभी है, बस थोबड़ा अलग है इनका। अब तो बता दो तुम दोनों की शक्लें कैसे बदल गईं? पप्पू अब बस हो गया, ये ड्रामा बंद करो। कैसे बंद करूं, ये ड्रामा अभी 9वां सीन चल रहा है, एपिसोड की ड्यूरेशन बाकी है। पप्पू तू मान क्यों नहीं रहा कि मैं नंदू हूँ और ये चांदनी?
कैसे मान लूं? अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम नंदू हो या चांदनी है, तो मैं भी ना सचिन तेंदुलकर हूँ। तुम सचिन तेंदुलकर नहीं हो, तुम मेरे छोटे भाई पप्पू हो। मैं भी जान गया हूँ, क्रिएटिव ने मजाक किया हमारे साथ, नादानिया की कास्ट चेंज कर दी है, तुम नए नंदू और ये नई चांदनी है, और इसके बाद तुम्हारा एक नया भाई भी आएगा जिसका नाम चैनी होगा। ये पागल हो गया है, इसे आगरा के पागल खाने में भेज दो। तुमने रात को पी थी क्या? हाँ पी थी। क्या तुमने घर में पी थी? हाँ तो बाहर जाके पीता तो सबको नजर आता ना, इसलिए घर में पी थी। अच्छा पप्पू ये तो बताओ कहाँ रखी थी? तुम्हारे ना होने वाले बाप की तस्वीर के पीछे दीवार में घुसेड़ के रखी थी। नंदू नंदू तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारा भाई शराबी है। एक्सक्यूज मी, मैं शराबी नहीं हूँ, बस शक्ल से लगता हूँ। लेकिन तुमने अभी तो कहा कि तुमने पी थी। अरे वो दूसरी बॉटल थी अम्मा, उस बॉटल के साथ एक पर्ची थी जिस पे लिखा था पी लीजिए, और मैं पी गया। उसको पीने के बाद से ही मुझे सारी चीजें अलग अलग नजर आ रही है, लोगों की शक्लें बदल गई हैं। देखो पप्पू मजाक बहुत हो गया, मैं नंदू हूँ और ये चांदनी, समझ गए? देख लीजिए इन दोनों को, क्या ये नंदू और चांदनी है? क्या सच है और क्या झूठ? हमें ईमेल करिए www.kiskakutta.com पर, अपना नाम और पता जरूर लिखिएगा। कौन है बेटू? कौन है बेटू? भूत 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 भाई भाई भाभी क्या हुआ क्या हुआ? अरे बदतमीजी की भी कोई हद होती है, आदमी दरवाजा नॉक करके आता है। वो दोनों कहाँ गए भाभी? कौन दोनों? अरे वही दोनों जो आप दोनों बन गए थे, मेरा मतलब तुम दोनों वापस कब आए? अरे जब हम कहीं गए ही नहीं तो वापस कैसे आएंगे पप्पू? लेकिन आप दोनों तो घूमने गए थे ना बीच पे। अबे यार आज तक कभी दिल्ली के यमुना किनारे घूमने नहीं गया। अरे पर मैंने अपनी आंखों से खुद देखा भाई। अरे सपना देखा होगा पप्पू, जा जाकर सो जाओ, हमें भी सोने दो, जा जा भाई। ना देखा होगा, ये तो मैं ही हूँ, सपना ही देखा होगा, समझ में नहीं आ रहा। पप्पू मेरा छोटा भाई है और वो यही रहेगा। मैं कुछ नहीं जानती, पप्पू इस घर में नहीं रह सकता। अच्छा जी, देखो वो मेरे अलावा यहाँ किसी और को नहीं जानता, इसलिए वो यही रहेगा। ठीक है पप्पू, अगर यहाँ रहेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। रात छुप जाए चोर है, खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ।